गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वचन भाग दो। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि वचन किसे कहते हैं, ठीक है, और वचन के प्रकार जाने थे। तो वचन किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का आभास होता है, पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वचन के भेद देखे थे, एकवचन और बहुवचन। ठीक है, तो बच्चों वचन जब किसी भी संज्ञा शब्द के वचन में परिवर्तन आता है, ठीक है, तो उससे वाक्यों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे किसी शब्द के एकवचन से बहुवचन में बदलने को संज्ञा के साथ साथ क्रिया के रूप में भी कुछ बदलाव आ जाते हैं। क्रिया यानी आपके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, तो जो क्रिया, जो कार्य हो रहा होता है उसमें भी बदलाव आता है, उस शब्द में भी बदलाव आता है। ठीक है, तो आपको जैसे दिया गया है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, लड़का क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, लड़का। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब आप इस वाक्य को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर किसी एक लड़का लड़का है उसके बारे में बात हो रही है, किसी एक लड़का के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाक्य आपको दिया गया है, जब आप उसे पढ़ोगे कि लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लड़का, जो संज्ञा शब्द था वो क्या था, लड़का एकवचन था। लेकिन जो दूसरा वाक्य है, लड़के, तो यहाँ पर जो एक वचन लड़का था, ठीक है, वो किस में परिवर्तित हो गया, बहुवचन में। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, लड़के, लड़का, लड़के। ठीक है, उसी तरह से जो क्रिया थी, ठीक है, जो कार्य हो रहा था, क्या हो रहा था, पढ़ रहा है, रहा है, लड़का पढ़ रहा है, तो रहा है जो शब्द है वो क्या था, बहुवचन में बदल गया, क्या हो गया, रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो संज्ञा शब्द है वो भी उसका जो वचन था वो बदल गया था। ठीक है, लड़का से लड़के है, तो जब संज्ञा शब्द बदलते हैं तो उसके साथ जो क्रिया है, क्रिया शब्द होते हैं वो भी बदल जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से कुछ संज्ञा शब्द एकवचन तथा बहुवचन के समान, बहुवचन में समान रहते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। ठीक है, कुछ संज्ञा के शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो वचन है वो नहीं बदलता, वो एक जैसा ही रहता है। ठीक है, उसमें एक वचन या बहुवचन नहीं होता, जैसे भीड़, पानी, पेड़, बादल, घर आदि। ठीक है, अब जैसे घर दिया है आपको, तो आप अगर इसको बहुवचन में आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, घरे, नहीं ना, हम क्या बोलेंगे, घर ही बोलेंगे, घर को, बादल को बादल, ठीक है, पानी को पानी बोलेंगे, भीड़ को भीड़ ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो नहीं बदलते हैं। लेकिन ठीक है, जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। फिर यहाँ पे एक शेर की बात की गई है, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत सारे शेर हैं और वो एक साथ दहाड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, शेर दहाड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया शब्द हैं वो बदलते हैं, वो परिवर्तित होते हैं, लेकिन जो संज्ञा शब्द हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जो एक वचन ही रहते हैं, लेकिन जो क्रिया शब्द होती हैं वो क्या होती है, वो बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है, आदर प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन होने पर भी उसे बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में किसी को हमें सम्मान देना हो, ठीक है, हम कैसे बात करते हैं, ठीक, तो आप बोलेंगे आप। ठीक है, तो किसी को अगर आपको सम्मान देना हो, आदर देना हो, तो आप उसमें बहुवचन होता है, बहुवचन की जो क्रिया शब्द होता है उसका उपयोग करते हैं। जैसे पिताजी बुला रहे हैं, ठीक है, क्या यहाँ पे पिताजी के बारे में, यानी आपके पिताजी के बारे में बात हो रही है कि पिताजी बुला रहे हैं, तो क्या आप ये बोलेंगे कि पिताजी बुला रहा है, नहीं ना, इससे क्या होगा, उनका अनादर होगा। ठीक है, तो हम जब अपने से बड़ों के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी को आदर देकर बात करते हैं, तो उसमें जो क्रिया शब्द होते हैं वो बहुवचन में जो क्रिया शब्द का प्रयोग होता है उनका ही उपयोग होता है। ठीक है, जैसे दादाजी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, दादाजी क्या कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं।
ठीक है, हम क्योंकि हम उन्हें आदर देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो क्रिया शब्द है उन्हें बहुवचन में जो क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है उसी शब्द उन्हीं बहुवचन शब्दों का प्रयोग हम एक वचन वाले संज्ञा शब्द के साथ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हैं पर उन्हें बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द क्या होते हैं, एक वचन होते हैं लेकिन उन्हें कैसे उपयोग में लिया जाता है, बहुवचन के रूप में, जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण आदि। ठीक है, तो जैसे आपको उदाहरण दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर यानी साइन। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, उसके तो आंसू निकल गए। ठीक है, अब वो कितना सारा रो रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोला होगा आंसुए निकल रहे हैं, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, उसके आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका हम बहुवचन में भी एक वचन वाला रूप ही उपयोग में लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कुछ यहाँ पर मैंने आपके लिए एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को लिया है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि कौन से शब्द हैं। पौधा एक वचन और बहुवचन, तो पौधा पौधे, बच्चा बच्चे, कांटा कांटे, घड़ा घड़े, पैसा पैसे, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, जेब जेबें, भाषा भाषाएं, मेला मेले, चूहा चूहे, तिनका तिनके, लड़का लड़के, फव्वारा फव्वारे, मेज़ मेज़ें, किताब किताबें, बात बातें, माला मालाएं। ठीक है, फिर आपको दिया है कक्षा कक्षाएं, दवाई दवाइयाँ, टोपी टोपियाँ, छतरी छतरियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, सेना सेनाएं, बहू बहुएं, मछली मछलियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, रुपया रुपए। ठीक है, ये जो हमने शब्द देखे, ये क्या देखे हमने, एक वचन और उनके बहुवचन रूप देखे। कुछ बहुवचन रूप ऐसे होते हैं, ठीक है, एक वचन रूप में जो मात्रा लगती है, ठीक है, जब लेकिन जब उस शब्द का हम बहुवचन लिखते हैं तो जो मात्राएं होती हैं, ठीक है, वो बदल जाती हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे छतरी लिखा है, ठीक है, छतरी, तो जो छतरी में जो री की जो मात्रा है, बड़ी की मात्रा लगाई गई ना छतरी में, लेकिन जब हमें छतरी का बहुवचन रूप लिखना है छतरियाँ, तो जो री की जो मात्रा है वो क्या होगी, बदल जाएगी और क्या हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, उसी तरह छुट्टी में भी जो टी है उसमें बड़ी ई की मात्रा थी, लेकिन जब हमने छुट्टियाँ लिखा तो जो ट है उसमें जो मात्रा है वो छोटी की हम लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो शब्द के अंत में अगर कोई मात्रा है तो वो बदलकर छोटी की है तो बड़ी की हो जाए, अगर बड़ी की कोई मात्रा है तो वो कैसी हो जाएगी, छोटी की बन जाएगी। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी बड़े उसकी मात्रा होगी वो छोटी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ दिया है बहु, ठीक है, तो बहु में बड़ी उ की मात्रा है, लेकिन जब हमें बहुवचन लिखना है, बहु का बहुएं लिखना है, तो उसमें क्या होगा कि बहुएं में जो मात्रा है वो बदल के और छोटे उ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी ह के नीचे। ठीक है, तो बच्चों जब भी आप मात्राओं को देखेंगे लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक वचन बहुवचन में परिवर्तित होता है तो शब्द के अंतिम में जो मात्रा लगती है वो बदल जाती है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसका अच्छे से घर पे अध्ययन कीजिए। ठीक है, आपको जब भी कोई नोट्स दिए जाते हैं, वीडियो दिए जाते हैं, ठीक है, गूगल डॉक्स दिए जाते हैं, आपको अच्छे से इसका अध्ययन करना है। ठीक है, अच्छे से उसे लिखना है, याद करना है, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।